हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करेंगे आज जेई मेंस के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखते हैं पेपर के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर वन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। आपसे पूछा हुआ है किस रिएक्शन में H2O2 एक अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के लिए बिहेव कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए बिहेव करेगा। इसके लिए तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं बेटा, PbO2 में PB पे चार्ज कितना है +4, या प्रोडक्ट की तरफ PB पे चार्ज कितना है +2। अब PB +4 से +2 में मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है मतलब प्रोसेस क्या होगा बेटा, रिडक्शन प्रोसेस होगा। और रिडक्शन किसने किया है, H2O2 ने, इसलिए H2O2 कैसा बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट लाइक, सो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, 0.3 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड ऑन कंबसन गेव 0.54 ग्राम ऑफ वाटर एंड 0.88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन कंपाउंड इज रेस्पेक्टिवली। बेटा क्वेश्चन में आपसे कार्बन की और हाइड्रोजन की परसेंटेज पूछ रहा है, तो ऐसे केस में मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये लिविक्स मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है, और लिविक्स मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, जिसकी बात करता हूँ मैं आपसे। कंबसन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए अप्लाई करेंगे 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 दे रखा है 0.88 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड दे रखा है 0.3, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से कैलकुलेट करोगे तो 80% ऑफ कार्बन आपको ऑब्टेन हुआ है। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करेंगे तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होगा बेटा 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर दे रखा है 0.54 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड 0.3, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें, यहां से आपको 20% ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन होगा, तो 80% कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन, देन आंसर बिकम्स थर्ड इज करेक्ट आंसर, 80% एंड 20%। ठीक बेटा, इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू ए मिक्सचर ऑफ 250 ml ऑफ 0.6 मोलर HCl एंड 750 ml ऑफ 0.2 m HCl टू ऑब्टेन 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। बेटा क्वेश्चन मिक्सिंग का है, महत्वपूर्ण बात ये है बेटा कि दोनों में ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि जो सॉल्यूशन दोनों हैं वो किसके हैं, HCl के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन है, और अगर अपन दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू द M रिजल्टेंट इनटू V टोटल। तो पहले आप यहां से फाइनल वॉल्यूम फाइंड कर लो, जो फाइनल वॉल्यूम है V1 प्लस V2, V टोटल का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। तो अप्लाई करेंगे सिमिलर नेचर के कंपाउंड्स के लिए, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू द रिजल्टेंट मोलरिटी इनटू V टोटल। M1 कितनी है 0.6, V1 कितना है 250, प्लस M2 कितनी है 0.2, V2 कितना है 750, M रिजल्टेंट दे रखा है 0.25, V टोटल फाइंड करना है, यहां से V टोटल फाइंड किया मैंने तो V टोटल का मैग्नीट्यूड आ रहा है 1200 मिलीलीटर 1200 ml आ रहा है कुल आयतन टोटल वॉल्यूम। अब वैसे एक्चुअल जो वॉल्यूम आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था 250 प्लस 750, तो टोटल वॉल्यूम एक्चुअल में जो आना चाहिए था वो तो आना चाहिए था आपके पास 1000 ml, बट कैलकुलेशन करने पर आपको जो वॉल्यूम मिल रहा है वो कितना आ रहा है 1200 मिलीलीटर आ रहा है 1200 ml आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर जो वॉल्यूम वाटर का मिलाया गया वो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी टोटल जो वॉल्यूम है 1200, उसमें से एक्चुअल वॉल्यूम 1000 को माइनस कर दो, इसका मतलब 200 मिलीलीटर ऑफ H2O आपने यहां पर ऐड किया है। इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे, देन आंसर विल बी थर्ड। आगे चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहा है, देखो किस तरह से ये कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करेगा। इसके लिए पहले रिएक्शन बनाएंगे और रिएक्शन के थ्रू देखेंगे कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम 5.6 लीटर CO2 ऑब्टेन करने के लिए यूज में आ रहा है। देखो कैसे लिखेंगे, तो इनिशियली 100 ग्राम इंप्योर कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 5.6 लीटर CO2 गैस एट STP
एट एस टी पी इट मीन इट मीन 22.4 लीटर होता है 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम. फाइंड द परसेंटेज ऑफ ओनली कैल्शियम, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ओनली कैल्शियम, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट, ओनली कैल्शियम इन द कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल. ठीक है बेटा, तो इक्वेशन बनेगा CaSO3 थर्मली डिकम्पोजेस इनटू द CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस. ठीक है, यहां कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास 100 ग्राम है, 1 मोल है, जिसमें कैल्शियम कितना बेटा ओनली 40 ग्राम. ठीक है, तो 40 ग्राम कैल्शियम है कब, जब CO2 कितनी बन रही है 1 मोल यानी 22.4 लीटर. तो मास ऑफ कैल्शियम निकाल लेते हैं 5.6 लीटर के लिए. तो 22.4 लीटर CO2 कितने कैल्शियम से मिलती है बेटा 40 ग्राम कैल्शियम के लिए. तो 1 लीटर CO2 मिलेगा बेटा 40 अपॉन 22.4 के लिए. और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 5.6 लीटर ऑफ CO2, तो 5.6 लीटर ऑफ CO2 ये ऑब्टेन होगा 40 अपॉन 22.4 इनटू 5.6 करो, मल्टीप्लाई करोगे ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा 10 टाइम्स. तो यहां से 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम आंसर आ गया. आंसर मींस 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम आ रहा है. और परसेंटेज निकालनी है तो टोटल सैंपल दे रखा है 100, तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम हो जाएगा 10 कैल्शियम का मास, टोटल मास ऑफ सैंपल 100 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से 100 कैंसिल हुआ, आंसर हो गया 10%. देन आंसर बिकम्स थर्ड, 10% इज द करेक्ट आंसर. आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. 411 लीटर फ्लास्क आर सेपरेटली फिल्ड विद द गैसेस हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन एंड ओजोन एट सेम टेम्परेचर एट प्रेशर. ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर जो नंबर ऑफ मोल्स हुआ वो इक्वली ऑब्टेन हुआ, क्योंकि वॉल्यूम सबका सिमिलर है. तो अगर अपन 22.4 लीटर से इसको डिवाइड भी करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आएगा, मोल्स आर इक्वल. और मोल्स इक्वल क्यों है, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कुछ भी हो सकता है वो, एसटीपी एनटीपी कुछ भी हो सकता है. तो मोल्स इनटू एन ही करेंगे तो वॉल्यूम को आएगा, जो कि सब में सेम ही आएगा तो कैंसिल हो जाएगा. अब देखते हैं एटम्स, एटम्स के लिए हाइड्रोजन रेशियो हीलियम रेशियो ओ2 रेशियो ओजोन. यहां हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, हीलियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है और ओजोन का 3 एटम है. देन रेशियो होगा 2:1:2:3 इस तरह का आपको आंसर देखने को मिलेगा, 2:1:2:3 आंसर इज थर्ड. आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन है बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर मास ऑफ प्योर NaOH इन ईच ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन. वाटर भी है, एक्वा सॉल्यूशन है. आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है बेटा वेट बाय वेट, मास परसेंटेज दे रखा है और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 50 ग्राम, जिसमें NaOH का मास अपने को कैलकुलेट करते जाना है. तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं बेटा. ऑप्शन नंबर फर्स्ट के लिए मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो मास परसेंटेज कितनी है 40, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है अपने को NaOH का मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 50, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई. कैलकुलेशन करो तो यहां से मास ऑफ NaOH W 20 ग्राम आ रहा है बेटा, 20 ग्राम ऑफ NaOH फर्स्ट ऑप्शन के लिए. देन ऑप्शन नंबर 2 चेक करेंगे बेटा. तो ऑप्शन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है, वेट बाय वॉल्यूम, मास वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है 50%. तो मास वॉल्यूम परसेंटेज फॉर्मूले में वैल्यू करो, 50 इज इक्वल टू द मास कैलकुलेट करना है और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 50 ml और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई. कैलकुलेशन करेंगे यहां से आपको 5 × 5 NaOH का मास आ रहा है 25 ग्राम सेकंड ऑप्शन के लिए. ऑप्शन नंबर 3 में देखें क्या दे रखा है, मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखा है. तो मोलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मोलरिटी इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास 40 इनटू वॉल्यूम 1 लीटर. यहां से अपन मास निकालना है W, तो 40 × 0.75 कर दो यानी कि 4/3 3/4 40 × 3/4 करेंगे तो 30 ग्राम आएगा. यहां से मास ऑफ NaOH आ गया 30 ग्राम. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, सबसे ज्यादा थर्ड में आ रहा है 30, फिर 25 मारा सेकंड में और फिर फर्स्ट मारा 20, इसलिए आंसर होना चाहिए थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट, आंसर विल बी सेकंड. आगे चले क्वेश्चन नंबर 7. इन द रिएक्शन करेक्ट ऑप्शंस इज, ठीक है बेटा तो एक रिएक्शन दे रखा है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं ये भी देखना है अपने को, और क्या किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है ये भी चेक करना है यहाँ पर.
तो इनिशियली Br2 फ्री मॉलिक्यूल है, जिस पे चार्ज कितना होगा बेटा, जीरो होगा, ठीक है। अब इस Br2 पे चार्ज इनिशियली जीरो है, कितने में चला गया ये, -1 में, जीरो से -1 नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है, क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ जीरो और BrO3 में कितना है, +5, तो जीरो टू +5 क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन भी ब्रोमीन का हुआ है और ऑक्सीडेशन भी ब्रोमीन का हुआ है, तो ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीडाइज तो हुआ है बट कार्बोनेट रिड्यूस नहीं हुआ है, पहला गलत था, दूसरे में ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज, करेक्ट बात, फिर ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही बात, ऑक्सीडाइज भी हुआ रिड्यूस भी हुआ है, फिर कह रहा है इट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक से बिल्कुल सही है, डिस्प्रोपोर्शनेशन को क्या बोलते हैं, ऑटो रिडक्स, यानी कि BC and D आर करेक्ट, आंसर विल बी फर्स्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है द इनकरेक्ट, क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन कंपाउंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, प्रत्येक मॉलिक्यूल में, ईच मॉलिक्यूल में सेंटर एटम सल्फर पर आप चार्ज चेक कर लें और चार्ज पता लगाकर चेक करें डिक्रीजिंग ऑर्डर किस में सही देखने को मिल रहा है। देखेंगे यहां H2H2O7 में सल्फर पे चार्ज होगा +6, यहां सल्फर पे चार्ज होगा बेटा 2.5, यहां सल्फर पे चार्ज होगा +2, यहां सल्फर पे चार्ज होगा बेटा 0, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, करेक्ट है। फिर देखें यहां सल्फर पे होगा +6 कैरोल एसिड है, यहां +4 होगा, यहां +2 होगा, यहां -2 होगा, ये भी लगातार डिक्रीजिंग है, करेक्ट है। थर्ड, यहां सल्फर में +6 है SO3 में, यहां +4 है बेटा, यहां -2 है और यहां 0 है, ये गलत हो गया, पहले -2 आ गया फिर 0 आ रहा है, पहले क्या आना चाहिए था 0 फिर -2, डिग्री जो होना चाहिए इसलिए ये इनकरेक्ट ऑर्डर ही है, तो आंसर बिकम्स थर्ड, यहां H2O4 में +6 होगा, यहां +4 होगा, यहां +2 होगा सोडियम डाइसल्फेट में और यहां -2 होगा, ये भी सही है, तो आंसर ओनली थर्ड जाएगा बेटा, इनकरेक्ट पूछा हुआ इसलिए। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट कंपाउंड विद लिस्ट सेकंड कंपाउंड्स विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एंड सेलेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट, ठीक है बेटा। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को आपको मैच करते जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल NaN3 सोडियम एजाइड, तो Na पे फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल है इसलिए +1 होगा, N3 पे कितना आ रहा है -1, तो 3 नाइट्रोजन पे -1 है तो 1 नाइट्रोजन एटम पे कितना होगा बेटा -1/3, इट मींस 1 को थर्ड से मिला दिया। फिर N2H2 में हाइड्रोजन पे सिंगल पे +1 होता है, 2 हाइड्रोजन +2 होगा तो N2 पे -2 आ रहा है, N2 पे -1 होगा तो 1 नाइट्रोजन पे -1 आना चाहिए, इसलिए इसको मैच करते हैं 4 के साथ, नाइट्रोजन सिंगल पे कितना आ रहा है -1, देन NO में नाइट्रोजन पे कितना होगा +2 क्योंकि ऑक्सीजन पे कितना है -2, तो थर्ड ऑप्शन को मैच करते हैं बेटा सेकंड के साथ। देन N2O5 में नाइट्रोजन पे चार्ज होगा बेटा +5, तो N2O5 फोर्थ ऑप्शन में फर्स्ट को मैच करते हैं, तो आंसर्स आर 4, 3 देन 2 एंड 1, फर्स्ट में क्या मिल रहा था थर्ड, फर्स्ट में थर्ड तो 3, देन सेकंड में 4, 3, 4 देन 2 देन 1, 3, 4, 2 एंड 1, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड है, इन द रिएक्शन x मोल्स ऑफ HI प्लस y मोल्स ऑफ HNO3 रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट बनेगा NO प्लस I2 प्लस वाटर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखेंगे, यहां आयोडीन -1 में है, सेंटर एटम नाइट्रोजन +5 में है, यहां नाइट्रोजन +2 में मूव कर रहा है, यहां I2 पे चार्ज होगा 0, अब आयोडीन -1 से बेटा 0 गया है तो चेंज होगा 1 यूनिट का, -1 to 0, यहां पर +5 से 2 जा रहा है, चेंज होगा बेटा 3 यूनिट्स का, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके चेंज को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और इसका चेंज यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो सिंपल रेशियो आ गया 3:1, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं लिस्ट नंबर से, तो लिस्ट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा और y का वैल्यू 2 आ जाएगा, देन आंसर्स आर x = 6 एंड y = 2, इट मींस आंसर इज थर्ड, थर्ड इज करेक्ट। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 21, ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले बेटा, देखो इफ 0.5 मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद 0.1 मोल ऑफ Na3PO4 द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ Ba3PO4 का होल ट्वाइस बेरियम फॉस्फेट दैट कैन बी फॉर्म इज, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा बैलेंस इक्वेशन बनाएंगे, BaCl2 प्लस Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट गिव्स Ba3PO4 होल ट्वाइस, Ba3PO4 होल ट्वाइस बेरियम फॉस्फेट प्लस NaCl
बैलेंस कर दें तो 6 मोल्स ऑफ NaCl, यहां पर 2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट एंड 3 मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड। इनिशियल मोल्स दे रखे हैं बेटा 0.5 एंड 0.1। डिकम्पोज कर दें स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में तो 0.5 माइनस 3x जाएगा, ये 0.51 माइनस 2x जाएगा, ये बेटा x के इक्वल बनेगा। तो x की वैल्यू फाइंड कर ले यहां से, यहां से तो x वैल्यू कितना रहा 0.5/3, यहां से x की वैल्यू आ रही है 0.1/2 यानी कि 0.05, ये तो 0.05 आ रहा है और ये कितना रहा है 0.16 आ रहा है, ये तो 0.16 है और ये 0.05, लेस कौन सा है 0.05, इसलिए ये क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट, इसलिए x की वैल्यू क्या मान लेंगे 0.05, इट मींस आंसर होगा 0.05 मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट, आंसर इज फोर्थ। ठीक है आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 22 वॉल्यूम स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, H2O2 के लिए पूछा हुआ है। इनिशियली क्या कह रहा है पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 250 मिलीलीटर्स ऑफ 3 नॉर्मल H2O2 एंड 750 मिलीलीटर्स ऑफ 1 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो दोनों जो सॉल्यूशन दे रखे हैं वो किसके H2O2 के हैं बेटा। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों जो सॉल्यूशन मिक्स कर रहा है ये H2O2 के सॉल्यूशन है बेटा, H2O2 का ही फर्स्ट सॉल्यूशन है, H2O2 का ही सेकंड सॉल्यूशन है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप रिजल्टेंट नॉर्मलिटी फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी जैसे ही आएगा आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे नॉर्मलिटी के रेस्पेक्ट में, नॉर्मलिटी इक्वल टू दी एक्स अपॉन 5.6, यहां से आपको एक्स फाइंड करना है, एक्स क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ है बेटा। ठीक है देखो कैसे अपन पहले रिजल्टेंट नॉर्मलिटी फाइंड करते हैं, तो इनिशियली N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू दी N रिजल्टेंट इनटू V टोटल यानी कि V1 प्लस V2, N1 कितना है 1, V1 कितना है 750, N2 कितना है 3, V2 कितना है 250। यहां से रिजल्टेंट नॉर्मल डिफाइन करेंगे पहले, V टोटल कितना हो जाएगा 1000, तो यहां से रिजल्टेंट नॉर्मलिटी इक्वल टू दी ये कितना हो गया 750, ये कितना हो गया 750 यानी कि 1500 अपॉन 1000, यहां से रिजल्टेंट नॉर्मलिटी आ गया बेटा 1.5n। अब रिजल्टेंट नॉर्मलिटी आते ही आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो नॉर्मलिटी इक्वल टू x अपॉन 5.6 वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए, x क्या है यही तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, इसी को क्या बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो x इक्वल टू दी नॉर्मलिटी कितनी है 1.5 इंटू मल्टीप्लाई कर दो किससे 5.6 से, यहां से आंसर आ जाएगा आपको 8.4, आंसर इज सेकंड। इस तरह से अपन इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। आगे चले क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है, विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स की नंबर किसमें सबसे ज्यादा होगी। तो अगर आपको एटम्स की नंबर सबसे ज्यादा पता लगानी है इसके लिए आपको गिवन मास को पहले मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब भी मास देता है तो एटम अगर है तब तो क्या करते हैं गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले आप देखें आपको क्वेश्चन में एटम्स दिया हुआ है या मॉलिक्यूल दिया हुआ है। देखो बेटा क्वेश्चन रीड करते हैं अपन, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, तो मोल्स बनाएंगे बेटा, तो मोल्स इक्वल टू दी गिवन मास 24 अपॉन एटॉमिक मास 12, हाउ मेनी मोल्स आर 2 मोल्स ऑफ कार्बन। सेकंड ऑप्शन देखें, मोल्स इक्वल टू दी गिवन मास इज 56, एटॉमिक मास ऑफ आयरन 56, कितना मोल बेटा 1 मोल। थर्ड ऑप्शन देखो, मोल्स इक्वल टू दी एटम मास 27 एल्यूमिनियम का गिवन भी है, मास भी 27 दे रखा है, 1 मोल आ गया। और फोर्थ ऑप्शन को चेक करें, गिवन मास कितना है 108 और एटम मास ऑफ सिल्वर कितना था है 108, यहां से मोल कितना रहा 1, यानी कि यहां पर भी 1 मोल है, यहां पर भी 1 मोल है और यहां पर भी 1 मोल है। सबसे ज्यादा मोल्स किसमें है 2 मोल्स ऑफ कार्बन, इसका मतलब एटम्स की जो नंबर होगी सबसे ज्यादा फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिलेगी, आंसर इज फर्स्ट। आगे चले देखते हैं क्वेश्चन को, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे इज 1 किलोग्राम। ठीक है, कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का मास जो है 1 किलोग्राम के इक्वल होगा, ऐसा आपसे क्वेश्चन में कहा हुआ है। देखो बेटा सबसे पहले आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लो, तो इनिशियली आप सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास जानते हो क्या, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6.02 × 10⁻³⁷, ये आपके पास आ गया बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का मास, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास आ चुका है आपके पास। अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स और मास दे रखा है, तो मोल्स निकालना है भाई, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास को तो मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, ये क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर वेट, तो गिवन मास इज 1 किलोग्राम और वो भी केजी में लिया अपन ने, तो 1 किलोग्राम अपॉन
मॉलिक्यूलर मास कितना है 9.1 into 10 to the power minus 31 into 6.02 into 10 to the power 23 कैलकुलेट करेंगे ये तो पावर कितनी कैंसिल हो रही है 23 और 31 10 to the power 8 माइनस का बच रहा है नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा यानी कि ये रह जाएगा 1 into 10 to the power 8 अपॉन 9.1 into 6.02 इस तरह का ऑप्शन आपको आंसर मिलेगा ठीक बेटा ये था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मींस आंसर शुड बी 4 आगे चलो क्वेश्चन नंबर 25 ये भी लिमिटिंग रीजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा इसमें भी आपको वैलेंस रिएक्शन बनाना पड़ेगा तो देखें 0.5 मोल्स ऑफ H2O4 इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देन द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट फॉर्म ठीक है बेटा तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए भी आपको बैलेंस रिएक्शन लिखना पड़ेगा और जैसे ही आप बैलेंस रिएक्शन लिख लोगे देन लिमिटिंग रीजेंट x की वैल्यू फाइंड कर लें जो x का वैल्यू होगा वही आपको कैल्शियम सल्फेट के मोल्स के इक्वल ऑप्टेट होगा देखो रिएक्शन क्या बनता है तो इनिशियली H2O4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस क्या बना रहा है CaSO4 और साथ में क्या बना रहा है 2 मोल्स ऑफ H2O ठीक है बेटा अब H2O4 के मोल्स कितने हैं 0.5 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल कितने हैं 0.2 ये कितना है 0 ये कितना है 0 इसको डिसोसिएट कर दो 0.5 माइनस x ये डिसोसिएट होगा 0.2 माइनस x ये x के इक्वल बन जाएगा वाटर 2x की गोल बनेगा बट कोई काम का नहीं है कोई क्वेश्चन में ओनली क्या पूछ रहा है कैल्शियम सल्फेट पूछ रहा है जो कि x की गोल होगा यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है 0.5 यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है 0.2 तो लेस अमाउंट कौन सा है 0.2 सो इट इज लिमिटिंग रिएजेंट LR इसलिए x की वैल्यू कौन सी पुट कर देंगे 0.2 इट मींस कैल्शियम सल्फेट का कितना मोल बन रहा है 0.2 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट ऑब्टेन होगा मैक्सिमम मोल्स आंसर विल बी थर्ड थर्ड इज करेक्ट आंसर फॉर 25 आगे चलते हैं 26 क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है द परसेंटेज लॉस इन वेट आफ्टर हीटिंग ए प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम और सॉरी पोटेशियम क्लोराइड KClO3 मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 1 मोल के लिए 122.5 विल बी तो पोटेशियम क्लोराइड का थर्मल डिकंपोजिशन कैसे होता है सबसे पहले रिएक्शन देख लें आप KClO3 को जब डिकंपोज करेंगे तो KCl सॉलिड बनेगा साथ में 3/2 मोल्स ऑफ O2 रिलीज करेगा तो लॉस ऑफ मास जो होगा वो ऑक्सीजन गैस की वजह से होगा क्योंकि ये जो ऑक्सीजन गैस है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी और बचेगा कौन रेजिड्यू ऑफ पोटेशियम क्लोराइड यहां से कितना ऑक्सीजन चला गया तो 1 मोल ऑफ O2 का मास कितना होता है 32 आपके पास कितना O2 रिलीज कर रहा है 3/2 यहां से कैंसिल करो तो 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को ये एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है तो परसेंटेज निकाल लेते हैं कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लॉस कर रहा है तो 48 अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है 122.5 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आपको लॉस ऑफ मास दिखाई देगा इट मींस आंसर यहां से ऑप्टेन होगा 39.18% इसे कैलकुलेट करेंगे तो 39.1% आपको ऑप्टेन हुआ है ठीक है आंसर इज थर्ड आगे चलें क्वेश्चन नंबर 27 अच्छा क्वेश्चन है देखते हैं क्वेश्चन को द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड और रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम इज ठीक है बेटा मीडियम एसिडिक है महत्वपूर्ण बात यह है सबसे पहली बात फेरिक ऑक्सलेट है Fe+3 में है फेरिक में ठीक है तो मीडियम एसिडिक है रिएक्शन लिखेंगे पहले फेरिक ऑक्सलेट का फॉर्मूला क्या होता है Fe2C2O4 का होल थ्रेस ये रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ KMnO4 के साथ मीडियम एसिडिक लेंगे तो Mn+2 बनेगा मैग्नीज Mn+2 साथ में CO2 गैस रिलीज करेगा Fe पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि Fe ऑलरेडी किसमें है ये प्लस थ्री में है इसको आयनाइज करेंगे तो ये 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीलेट मिलेगा यहाँ से तो 3 मोल्स ऑफ C2O4 -2 प्लस इसको आयनाइज करेंगे तो ये MnO4 माइनस देन मीडियम एसिडिक है तो Mn+2 में जाएगा KMnO4 और साथ में CO2 गैस फॉर्म होगी ठीक है यहाँ अगर सिंगल मोल ऑक्सीलेट की बात करें तो कार्बन पे चार्ज कितना है प्लस 3 और सिंगल मोल में कितने कार्बन है 2 तो 3 × 2 करेंगे 6 हो जाएगा बट ये तो कितने के लिए सिंगल मोल ऑक्सीलेट के लिए बट हमारे पास मोल कितने हैं 3 इसलिए टोटल हो जाएगा 6 × 3 = 18 और इधर सिंगल CO2 में कितना है +4 में है कार्बन तो यहां पर 2 कार्बन के लिए करेंगे तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा बट आपके पास तो 3 मोल्स हैं क्योंकि इधर भी आपने 3 मोल्स के लिए लिया है यहां पर भी 3 मोल्स ऑक्सीडेट के लिए लिया है तो इधर भी 3 मोल्स के लिए लिखेंगे तो 8 × 3 = 24 आएगा इसका मतलब नेट चेंज कितने का आ रहा है 18 से 24
यहाँ 6 यूनिट्स का आपको चेंज देखने मिलेगा। इसका मतलब बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सिलेट कितना आ गया, 6 आ रहा है। वैलेंसी फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सिलेट 6 है और KMn4 की बात करें तो यहाँ +7 में है मैंगनीज और +2 में मूव कर रहा है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का वैलेंस फैक्टर कितना होगा, 5 होगा। अब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वल कर दें बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस या फेरिक ऑक्सिलेट, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरिक ऑक्सिलेट बिकम्स इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMn4, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMn4। यहां से मोल इनटू वैलेंस फैक्टर लगा दो बेटा, मोल दे रखा है 1 मोल और फेरिक ऑक्सिलेट का वैलेंस फैक्टर नीचे दिख रहा है 6 आ रहा है। KMn4 के मोल्स निकाल लें और KMn4 का वैलेंस फैक्टर कितना है यहां पे, 5। तो मोल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMn4, 6/5। आंसर बिकम्स 6/5, इट मींस फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, ये ऑर्गेनिक का है। नाउ इंटीजर्स क्वेश्चन नंबर 1। हाँ बेटा, इंटीजर है, सेक्शन डी की बात कर रहे हैं और इंटीजर का पहला क्वेश्चन है, एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें Sn+2 की परसेंटेज पूछ रहा है। देखो क्या क्वेश्चन है, ए नॉन स्टोइकोमेट्रिक ऑक्साइड ऑफ टिन इज रिप्रेजेंटेड एज, फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, SnO1.08। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपसे Sn में प्लस टू की परसेंटेज पूछ रहा है, तो सपोज करो Sn+2 की अमाउंट जो है वो x है और Sn+4 की जो अमाउंट है वो 1-x है। मैंने 1-x क्यों लिखा है, क्योंकि आपको Sn का एटम कितना दिया हुआ है, 1 एटम दिया हुआ है और ऑक्सीजन का कितना है, 1.8। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा कंसेप्ट लगा दो, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो टोटल नेगेटिव चार्ज के। तो यहां से 2+2 है कितने एटम्स का, 2 एटम्स का, ये हो जाएगा 2x प्लस ये कितना हो जाएगा, 4×1-x इज इक्वल टू द, ये कितना हो गया, ऑक्सीजन की बात करें तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, कितना ऑक्सीजन है 1.8 और ऑक्सीजन में कितना होगा 2। यहां से सॉल्व करो तो 2x प्लस 4-4x इज इक्वल टू 3.6 है, इधर इधर ये 4 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहां से 4x कितना हो जाएगा 2x माइनस का, ये रह जाएगा माइनस का 0.4। सॉल्व करोगे माइनस से माइनस खत्म, x की वैल्यू आ जाएगी 0.4/2 यानी कि 0.2। इट मींस परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर होना चाहिए 20%। Sn+2 की अमाउंट जो है वो x की इक्वल है और Sn+2 की जो अमाउंट ऑफ x जो ही क्या होगा, 20% वही आपका इंटीजर का आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंटीजर नंबर 2। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं इंटीजर का। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन एक्वस इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन इज 0.25, हेंस परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय वेट इज, ठीक है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल 0.25 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 0.75, क्योंकि सम कितना होता है, दोनों का योग XA+XV की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो 0.25 में से ये 0.25 तो इथाइल अल्कोहल है, वाटर कितना होगा 0.75, तो मास परसेंटेज पूछ रहा है तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे, W/W% परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट 0.25 मोल्स इथेनॉल, मॉलिक्यूलर वेट होगा इथेनॉल का 46 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट 0.25×46 प्लस मास ऑफ वाटर कितना होगा 0.75 मोल्स × 18 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें, यहां से कैलकुलेट किया तो 46% आपको इथाइल अल्कोहल की परसेंटेज आ जाएगी मास परसेंटेज के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंटीजर देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। 16 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस SOX ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर एट STP, द वैल्यू ऑफ X इज, ठीक है बेटा, तो गैस का जो नॉर्मल फॉर्मूला दे रखा है SOX है, इसमें एटम्स ऑफ ऑक्सीजन X के इक्वल है और 5.6 लीटर का वॉल्यूम दे रखा है, STP पर मास दे रखा है बेटा 16 ग्राम, तो किसी भी गैस के 1 लीटर का NTP और STP पर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, तो हमें 22.4 लीटर का मास निकालना चाहिए जो कि मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, बिकॉज 5.6 लीटर ऑफ गैस वेज कितना मास रखता है 16 ग्राम, 1 लीटर ऑफ गैस का मास कितना होगा 16/5.6, तो हमें चाहिए कितने का, 1 मोल ऑफ गैस यानी कि 22.4 लीटर का मास, मल्टीप्लाई कर दो 16/5.6×22.4, यहां से कैलकुलेट करेंगे कितना आ गया 64 ग्राम, मल्टीप्लाई कर दो 64 ग्राम ऑफ द गैस, ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया, 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ गैस का मास, ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया गैस के लिए। अब SOX की वैल्यू पुट कर देते हैं, SOX मॉलिक्यूलर वेट कितना रहा है 64, सल्फर का एटम मास कितना हुआ 32, X एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है 16, व्हिच इज इक्वल टू द 64, यहां से 16X
इक्वल टू 64 में 32 माइनस करेंगे तो 32 बचेगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 32 अपॉन 16, यानी कि 2 का आपको मैग्नीट्यूड ऑप्शन होगा 2, तो आंसर होना चाहिए 2, x की वैल्यू कितनी आ रही 2, इसलिए फॉर्मूला बनेगा SO2, ठीक है बेटा, आंसर इज 2। नेक्स्ट आगे चले क्वेश्चन नंबर फोर्थ इंटीजर का, देखें बेटा क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन इंटीजर का है। 0.52 ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड रिक्वायर्ड 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल NaOH फॉर कंप्लीट न्यूक्लियर द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज, ठीक है बेटा एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा है तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस कर दें, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड बिकम्स इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दें आप, ठीक है। अब एक तरफ तो मास दे रखा है, मास देगा तो क्या करेंगे, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दे रखा है तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम कर देंगे, अप्लाई करते हैं एसिड के लिए क्या दे रखी है मास, तो 0.52 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास W अपॉन E व्हिच इज इक्वल टू द नॉर्मलिटी ऑफ बेस 0.2, वॉल्यूम 100 ml, ml को लीटर में कन्वर्ट कर लें 1000 से डिवाइड, यहां कैंसिल आउट करें 10 को चले जाएं, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 5.2 अपॉन 0.2, कैंसिल आउट करेंगे आंसर होगा 26, इक्विवेलेंट मास इज 26, आंसर शुड बी 26। आगे चलें, ये खत्म हुआ, ये था बेटा जी मेंस के सारे क्वेश्चंस का फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सॉल्यूशन, ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम जेई मेंस का प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, केम का, केम डीटीएस का 1/6 वाला पेपर, तो इसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन सर ने आपको करा दिया, मनोज सर ने, अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी पोर्शन कुछ बचा हुआ है, कुछ एक प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है बेटा, चलो आगे चलते। यस, देखो फोर्थ वाला प्रॉब्लम, थर्ड वाला प्रॉब्लम फिजिकल केमिस्ट्री का, फोर्थ भी फिजिकल केमिस्ट्री का है। नेक्स्ट चलते, फिफ्थ वाला प्रॉब्लम भी फिजिकल केमिस्ट्री का है, सिक्स वाला प्रॉब्लम फिजिकल केमिस्ट्री का है, सेवंथ भी फिजिकल केमिस्ट्री का है, नाइन्थ तक फिजिकल, टेंथ, यस, इलेवंथ जो है वो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। यस, देखो आपको क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्पीसीज, आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल स्पीसीज कौन सी होगी। जाहिर सी बात है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है, और एक बात ध्यान रखना है कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। चलो सबसे पहले नो डाउट ये वाला नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में आ रहा है, ये भी रेजोनेंस में आ रहा है, ये भी रेजोनेंस में आ रहा है, ये भी रेजोनेंस में आ रहा है, और बड़ी खूबसूरत बात ये है कि यहाँ पे दोनों पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और दोनों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जबकि इसके अंदर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, इस वजह से आप बस सेकेंड वाला क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है, जिसका आंसर सेकेंड आएगा बेटा। यस करेक्ट, आपको क्या बताना है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये वाली दे रखी है कि करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 4-bromo-3-methyl-butene-4-butene-1-in, तो पहले आप ये काम कर लीजिए, स्ट्रक्चर बना दीजिए, आपके पास ब्यूट में 1 पे इन लेना है, ले लिया, ठीक है ना, 3 पे इथाइल लेना है, ओके 1-2 और यहाँ पे 3 ले लिया, इथाइल ले लिया, ठीक है ना, और उसके बाद में फोर्थ पोजिशन पर आपको ब्रोमो लेना है, तो फोर्थ पोजिशन में हम क्या लेंगे, ब्रोमो ले लेंगे, ठीक है, फोर्थ पोजिशन पर ब्रोमो, 3 पे इथाइल ही लेना है, ध्यान दे इथाइल ही लेना है, तो ऐसा स्ट्रक्चर किसके अंदर मैच कर रहा है, देखिए अगर ढंग से देखा जाए तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन भी इन दोनों के आ रहा है, इन दोनों के अंदर आ रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ किसी भी हालत में आंसर नहीं हो सकता। अब बात इनकी करें तो ये वाला स्ट्रक्चर इससे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, जबकि ये वाला स्ट्रक्चर इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, थर्ड वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते, फोर्टींथ मोस्ट एसिडिक, एकदम सिंपल है, एक चीज हमेशा ध्यान दें कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप आ जाता है, तो बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आ जाता है तो उसका एसिडिक एक्टर हमेशा मेटा एंड पैरा के मुकाबले में क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए आपका आंसर कौन सा आएगा, सेकेंड आएगा। यस, आपको बताना क्या, पीके का ऑर्डर बताना है, ठीक है ना। यस, एक चीज ध्यान रखें कि अगर के बी की वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होगा, पी के बी की वैल्यू घटती, एंड बेसिक कैरेक्टर क्या होता है आपके पास, बेसिक कैरेक्टर जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब सारी प्रवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक बात ध्यान रखिए, इथाइल ग्रुप के लिए वाटर के अंदर हम कंसिडर करते हैं ना, तो मिथाइल ग्रुप के लिए आपको याद रखना है 213, फिर बाद में क्या आता है, अमोनिया, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री होता है, ठीक है। एंड यहीं पर अगर इथाइल ग्रुप के लिए बोलूँ ना
तो इथाइल ग्रुप के लिए क्या आएगा 231, 231 का मतलब क्या हुआ, 231 का मतलब क्या हुआ, 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन, उसके बाद में क्या आएगा अमोनिया। ठीक है, अब देखो ये तो है अपने पास बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है पी के बी की वैल्यू क्या आएगी, जस्ट इसका ऑपोजिट आएगी। फर्स्ट वाला में आपके पास क्या दे रखा, मिथाइल दे रखा है, और अगर मिथाइल दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप के अंदर आपको मैंने बताया था 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया, तो अमोनिया का ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद में 3 डिग्री आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है, उसके बाद में आपके पास क्या आना चाहिए 1 डिग्री आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 2 डिग्री, मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड देखिए, इथाइल ग्रुप आ रहा है, और इथाइल ग्रुप के लिए मैंने क्या बताया था कि 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया, अमोनिया ज्यादा है ये, ठीक है ना, फिर बाद में 1 डिग्री आ रहा है, उसके बाद में 3 डिग्री आ रहा है, उसके बाद में 2 डिग्री आ रहा है, मतलब सेकंड वाला आपके पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यस, यहां पे करेक्ट आईपीएस नेम ऑफ द कंपाउंड बताना है, कंपाउंड का आईपीएस नेम बताना है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपके पास जो ग्रुप दे रखे हैं इसके अंदर प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करना है, और आपको मालूम होना चाहिए कि सीएन जो है वो ज्यादा प्रायर होता है एज कम्पेयर टू कीटोन एंड एल्डिहाइड के मुकाबले, तो सीएन ज्यादा प्रायर है। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन लोगे, लॉन्गेस्ट चेन आपके पास कौन सी आएगी, ये वाली आई, नंबरिंग आप यहां से करो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, फॉर्माइल, जबकि इसको ऑक्सो या फिर कीटो दोनों कह सकते हैं, तो सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है बेटा, फॉर्माइल आ रहा है, सेकंड नंबर पे फॉर्माइल यहाँ पर आ रहा है, थ्री पे ऑक्सो आ रहा है, वेरी गुड, फिर बाद में नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं, देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है ना, पांच कार्बन, पांच कार्बन पेंट एंड नाइट्राइल, तो इसलिए आंसर कौन सा है बेटा, सेकंड वाला आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सिंपल प्रॉब्लम आप इजी वे में कर सकते हो, अगर आपको बेसिक ऑर्डर्स आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्या करें, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर द अबव कंपाउंड, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने, तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर है, और ज्योमेट्रिकल सेंटर के लिए आपको कंडीशन पता है कि सी डबल बॉन्ड सी दे रखा हो, ठीक है ना, और यहाँ पे ए बी दे रखा हो, यहाँ पे सी दे रखा हो, ए मस्ट नॉट इक्वल टू बी एंड सी मस्ट नॉट इक्वल टू डी, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, सी डी के बराबर नहीं है, तभी उस केस में आपके पास क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो पाएगा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो पाएगा तो उसको हम क्या मानेंगे, ज्योमेट्रिकल सेंटर कंसिडर करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ये वाला ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला फर्स्ट वाला कंपाउंड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में शो नहीं करेगा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, इसका मतलब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना है बड़ा, जीरो। सेकंड वाला ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर में शो नहीं करेगा, जबकि ये सेंटर ज्योमेट्रिकल आइसोमर में शो करेगा, तो नंबर ऑफ सेंटर वन आ रहा है, नंबर ऑफ सेंटर वन का मतलब फॉर्मूला क्या, 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो इसके अंदर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना है, 2। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में बात ध्यान दे, दो ज्योमेट्रिकल सेंटर आ रहे हैं, और दो ज्योमेट्रिकल सेंटर में टर्मिनल्स आर सेम, अगर टर्मिनल सेम आ जाता है उस कंडीशन में आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, सिमेट्रिकल का फॉर्मूला लगाना है, और सिमेट्रिकल के फॉर्मूले में अगर n की वैल्यू इवन नंबर में आ जाए तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, इवन नंबर के लिए 2 की पावर n-1 + 2 की पावर n/2, इसका मतलब क्या होगा, सेंटर कितना आ रहा है, 2 की पावर -1 + 2 की पावर 2/2 - 1 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 1 = 1 + 2 की पावर 2/2 - 1 कितना होगा, 1 - 1 = 0, 2 की पावर 0 का मतलब कितना हुआ 1, तो मतलब 2 + 1 = कितना आएगा 3, तो इसके सेंटर कितने आएंगे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3, तो आपके पास 0, 2, 3 कहीं पे नजर आ रहा है, यस फोर्थ वाले में, तो इसका आंसर कौन सा आएगा बड़ा, फोर्थ वाला आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते आगे चलिए। यस, एकदम हल्का सा प्रॉब्लम, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं, सिंपल आपको रिलेशन बताने, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही, ढंग से सोचो, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव, लाला ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है क्या, अगर आप रोटेट करके देखोगे तो भी आपके पास क्या नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये वाला क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। एक बात ध्यान रखें, ऑप्टिकल एक्टिव की मिरर इमेज ऑप्टिकल एक्टिव होगी, इनएक्टिव कभी नहीं हो सकती, इसका मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, डायस्टोमर, तो इसका मतलब ये फर्स्ट एंड सेकंड जो होंगे वो एक दूसरे के डायस्टोमर। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होगा, एटम की कनेक्टिविटी आपके पास क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, यहाँ पर एटम की कनेक्टिविटी क्या आ रही है, सेम आ रही है, इसका मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, डायस्टोमर ही होंगे। ठीक है, इसका आंसर सेकंड आएगा। यस, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अनुनाद संरचनाएं दे रखी है,
उन अनुनाद संरचनाओं के अंदर आपको स्टेबिलिटी देखनी, एकदम सिंपल तरीका है। सबसे पहले जब भी रेजोनेटर स्ट्रक्चर आए तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि कार्बन पे कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। सबसे पहले चेक करिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कहीं पे आ रहा है। यस, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। आंख बंद करके ध्यान रखें कि जब भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए तो इसका मतलब वहां पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, और ऑक्टेट जहां पर इनकम्प्लीट होता है वो सबसे लिस्ट स्टेबल, तो बी वाला सबसे लिस्ट स्टेबल होगा, केवल एक ही। यहाँ पे फोर्थ आंसर नहीं हो सकता, फर्स्ट नहीं हो सकता, आंसर कौन सा होगा, या तो थर्ड या फिर आपके पास कौन सा होगा, सेकंड। तो सबसे लिस्ट स्टेबल को हमने साइड में कर लिया। अब देखो ये वाली स्पीसीज न्यूट्रल है, न्यूट्रल में भी ध्यान रखें ऑक्टेट सभी का कंप्लीट होना चाहिए, ये न्यूट्रल है, जबकि ये चार्ज स्पीसीज है। ध्यान दे बड़ा, आप स्पेशली ध्यान दे कि न्यूट्रल स्पीसीज जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू चार्ज। तो ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, इनमें भी ए वाला आ रहा है, इसमें भी आपके पास ए आ रहा है, तो अपना पास बचा कौन सा, ये दोनों, इन दोनों को चेक करते। तो ध्यान दे मोर सॉरी ये दोनों बच्चे यस ये दोनों बच्चे इन दोनों के अंदर सॉरी यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वाला केस हमने कंसीडर किया, ये दोनों बच्चे इन दोनों के अंदर चेक करना है। देखिए आपको ध्यान रखना है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा या फिर कार्बन पर, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए मतलब ये वाला जो डी है विल बी मोर स्टेबल देन सी। डी जो है सी के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल किस में आ रहा है, थर्ड के अंदर, तो इसलिए आंसर कौन सा, थर्ड ज्यादा, थर्ड राइट होगा, सेकंड वाला आपके पास क्या हो जाएगा, बड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यस, एकदम सिंपल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर। देखो कितने मजे वाली बात है कि आपके स्टीरियो आइसोमर नहीं दे रखा, आपका काम हल्का हो गया एकदम सिंपल तरीके से। सबसे पहले ड्यू निकाली, अगर आप इसका ड्यू निकालोगे तो कितना आएगा, जीरो। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, बड़ा चार, लिखिए एक दो तीन, 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले आपको सीएल को यहाँ पे लिखना, लिख लीजिए 1 2 3 4 4 4। सीएल को यहाँ पे लिख, सीएल को यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लो, दोनों का मतलब क्या होगा ये। फिर बाद में मैंने ब्रांचिंग करा दी ब्रांचिंग, देखो ओहो गलत, एक सेकेंड, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दिए, वापस देखते। सबसे पहले ये चार कार्बन है, ठीक है ना, एक सीएल को मैंने यहाँ पे लिखा, दूसरा सीएल को यहाँ पे लो, इस सीएल को यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही। नंबर ऑफ कार्बन मैंने तीन लिया, देख तीन लेके एक कार्बन साइड में ले लिया, तो यहाँ पे सीएल को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, और सीएल को मैं कहाँ पे लिख सकता हूँ, इस जगह पे लिख सकता हूँ। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपके पास क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो इसमें इसके अलावा आप कोई भी केसेस लेते हो तो वापस इसी में इसी के अंदर क्या होता है, रिपीट हो जाता है, और इसी के अंदर रिपीट हो जाएगा तो इसका मतलब की बात क्या है कि यहाँ पे आपका आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आगे प्रॉब्लम क्या है। यस, ये फिजिकल का प्रॉब्लम है, ठीक है, सर ने करा दिया आपको। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इजीली निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है, फिजिकल के प्रॉब्लम से। यस, आगे ये एक बात मुद्दे वाली, पीके की वैल्यू, पीके ए लोवेस्ट पीके पूछा है, ये बात ध्यान दे के की वैल्यू अगर बढ़ जाती तो पीके की वैल्यू घट जाती है, एंड एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपको पता है, बहुत नॉर्मल बात है। ध्यान दे आपको क्या पूछा, लोवेस्ट पीके मतलब एसिडिक कैरेक्टर क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा करना। लोवेस्ट पीके का मतलब एसिडिक कैरेक्टर हाईएस्ट, एसिडिक कैरेक्टर। यहाँ पे एक सीएल आ रहा है, यहाँ पे दो आ रहा है, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है, तीन, तीन माइनस आई है, तीन माइनस आई। माइनस आई वाले क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, सॉरी माइनस आई वाले क्या, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा विड्रॉ करेगा, जिसका मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। तो थर्ड वाला जो है का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा, पीके की वैल्यू क्या होगी, लोवेस्ट। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखते, देखो ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, वैसे जितने भी ऑर्गेनिक एसिड जो होते, ऑर्गेनिक बेसिस आर वीक बेस, बाकी ये वाला जो है स्ट्रक्चर बेसिकली गुनाडिन का स्ट्रक्चर, गुनाडिन वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर कंसिडर किया, लेकिन इसके अंदर भी आपको क्या है, दो एटम दे रखे, तीन एटम दे रखे, सॉरी एक तो ए एटम दे रखा है, एक बी एंड एक सी दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ये वाला रेजोनेंस में आएगा, ठीक है ना, तो रेजोनेंस में तो इस नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। तो इसका मतलब बी का बेसिक कैरेक्टर सबसे हाईएस्ट। अच्छा, ए एंड सी का तो एनवायरमेंट एक जैसा ही, और जाहिर सी बात ए एंड सी का एनवायरमेंट एक जैसा ही, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, बराबर होगा। तो बराबर होने का मतलब सबसे ज्यादा क्या है, बी का, एंड ए एंड सी का क्या होगा, बराबर। इसका आंसर जो होगा बड़ा थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते। यस, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे दोनों तरफ प्लस आई है, जबकि ओ में क्या है, माइनस आई है।
जबकि इसमें भी क्या है माइनस आई, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे घट जाएगी, जबकि यहाँ पे क्या होगी बढ़ेगी। बढ़ेगी मतलब सबसे ज्यादा किसकी होगी, सी की। सी की सबसे ज्यादा किस में आ रही है, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, थर्ड वाला, फर्स्ट वाला आंसर नहीं हो सकता, सी में। अब देखो इन दोनों में ए एंड बी में चेक करें, देखो माइनस आई जो होता है ना वो ओ का ज्यादा होता है, माइनस आई ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा विड्रॉ करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा विड्रॉ करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम। तो ज्यादा किसका होगा, बेसिक कैरेक्टर बताइए, ए का ज्यादा होगा, तो ए का सी से तो कम होगा लेकिन बी से क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब आंसर कौन सा बड़ा, सेकेंड। ठीक है चलो नेक्स्ट चलते, यस ये फिजिकल का है, आपने कर ली, यस ये मोल फ्रैक्शन वाला, ये फिजिकल का प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आराम से कर सकते हो, हल्की हल्की प्रॉब्लम है, इजीली। मेंस वाली प्रॉब्लम इतनी ज्यादा टफ नहीं आती जितना आपका मेंटेलिटी होती है, एकदम सिंपल तरीके से। प्रॉब्लम क्या है, विच इज अ मोर एसिडिक देन फिनॉल, मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ, एक हमेशा ध्यान रख कि SO3H है ना, सल्फ्यूरिक एसिड से एब्स्ट्रैक्ट किया गया, और सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उससे एब्स्ट्रैक्ट अगर हमने क्या किया, वहाँ पे OH की जगह RE तो लिया, तो जाहिर सी बात ये भी थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। RCOH का एसिडिक कैरेक्टर किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बाद में क्या आएगा, फिनॉल, फिनॉल के बाद में आते हैं आपके पास जल, जल, जल से पहले ध्यान दे बड़ा, जल से पहले मिथेनॉल आता है, मिथेनॉल का जल से ज़्यादा होता है भाई एसिडिक कैरेक्टर, ध्यान दे। लेकिन दूसरे वाले अल्कोहल का जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है, मिथेनॉल का ज़्यादा होता है, स्पेशली मिथेनॉल अंधा करता है आंखों को, सुन यहाँ पे। फिर बाद में अल्कोहल के बाद में क्या, अगर टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन के बाद में अमोनिया आता है, अमोनिया के बाद में जो भी ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं, ठीक है चलो। एसिडिक कैरेक्टर आपको पूछा है, मोर एसिडिक देन फिनॉल, फिनॉल से ज्यादा अम्लीय होना चाहिए, फिनॉल से ज्यादा अम्लीय का मतलब क्या है, अल्कोहल नहीं हो सकता। पैरा पोजिशन में NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप माइनस एम शो करेगा, माइनस एम शो करेगा, इसका मतलब क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा। ए OCH3 क्या करता है, प्लस एम, वो भी पैरा पे, पैरा पे प्लस एम शो हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, इसका वैसे ही कम बता ही दिया मैंने, इसका यस यस मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से, SO3H होगा, NH2 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसके कितने आ रहे हैं आपके पास, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, थर्ड वाला, थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा चलो नेक्स्ट चलते, यस ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आपके पास होगी, और कोई प्रॉब्लम हो तो अलग से पूछ लेना।